चलिए गुड इवनिंग। आज 7 बजे का बैच में जो बैंक का पढ़ाई होता है, SBIPO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे थे एक दिन, कल बताए थे, लेकिन आज वो स्टॉप रहेगा, इसलिए कि पहले का दो लोग आ गए हैं जो काफ़ी सारा जॉब किए हैं और अभी तो खैर जॉब में है ही, वो अपने लाइफ का आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, क्या दिक्कत हुआ, कौन जॉब में क्या। वो तो लगभग बहुत तरह के जॉब किए हैं, तो बस आपके 2-3 मिनट में आपके सामने वो आ रहे हैं। थोड़ा सा लैपटॉप हम ओपन कर लेते हैं, लैपटॉप पर वीडियो ओपन किए ही नहीं। बस 2 मिनट इंतज़ार करिएगा, 2 मिनट। अच्छा, मोबाइल तो है ना आपके पास, आपको तो वीडियो देखने का कोई ज़रूरत है नहीं, ना तो बगल में चला देंगे, चला देते हैं ऐसे। हाँ, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़, अच्छा कोई कमेंट करेगा तो आप देखिएगा बीच बीच में, लाइक कमेंट दोनों जगह का सुविधा है, यहाँ से भी कमेंट देख सकते हैं बगल में, और ऐसे बगल में लैपटॉप से भी देख सकते हैं। हम लैपटॉप पर ऑन कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे और लोग ऑनलाइन आ जाएंगे। बस 1 से 2 मिनट आप लोग इंतज़ार करिएगा। चलिए पहले कौन आइएगा, तो आइए पहले मिलवा रहे हैं, सब कुछ इंट्रोडक्शन वो अपना खुद देंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या किए। जरूरतें नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे जी। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं, मैं कामेश्वर कुमार, एट प्रेजेंट लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बेतिया। सर के पास जब हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, उस समय मैं ग्रेजुएशन में मेरा अकाउंट ऑनर्स रहा है, और अकाउंट ऑनर्स में एक सब्जेक्ट उस समय हुआ करता था, अकाउंट ऑनर्स में उस समय एक सब्जेक्ट हुआ करता था मैथ। अकाउंट्स में एक मैथ होता था, बिजनेस मैथ जिसको कहते हैं, वो हम सर से उस समय शुरुआत में हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद में 2002 में ग्रेजुएशन का सेशन था, 99 2002, 2003 में ग्रेजुएशन हुआ। जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे सर के पास पढ़ रहे थे, उस समय यहाँ पे बैंकिंग का एक दौर चला था, बैंक में काफ़ी उस समय वैकेंसी थी, लेकिन 2002 के आसपास में वो वैकेंसी बंद हो गई। सब लोग हम लोग रेलवे की तरफ शिफ्ट होते गए, और एक नया फिर दौर शुरू हुआ रेलवे का, समय साथ दिया, और 2006 में सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर सिकंदराबाद में मेरा उस समय चयन हुआ। बाद में फिर वापस मुंबई हो गया, और मैं मुंबई आके सहायक स्टेशन मास्टर के पद पे मुंबई में ज्वाइन किया 2007 से लेकर 2018 के अक्टूबर तक। 18 के अक्टूबर में मैंने स्टेशन मास्टर की नौकरी को रिजाइन किया, और अभी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरा आपसे कहना है कि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जब एक साथ 2, 4, 10, 12 लड़के जब तैयारी करते हैं, 20, 25, 50, तो उसमें कुछ लोगों को जॉब बहुत जल्द हो जाता है, और कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा समय अधिक लगता है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसका हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जो लोग धैर्य रखते हैं, वो हमेशा आप देखेंगे कि वो बेहतर जगह पे गए हैं।
जैसे हम ही लोग के साथ जो लोग हम लोगों से पीछे जॉब में आए वो लोग यहाँ समस्तीपुर और मोतिहारी में जॉब करने लगे और हम लोग उस समय मुंबई में चले गए। तो थोड़ा सा सबसे बड़ा चीज़ जो है वो धैर्य है और रेगुलरिटी, अगर वो नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। सर के पास ही अगर आप डेली पढ़ रहे हैं या खुद से ही देख रहे हैं, अगर आपका अपना खुद का रूटीन नहीं होगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। रूटीन काफ़ी ज़रूरी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो भी पढ़ें कम से कम रूटीनबद्ध रखें। और जॉब के लिए पढ़ना एक तरफ है, सबसे बड़ा चीज़ है वो है आपका प्रैक्टिस। अगर सेट प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव जॉब लेना है तो सेट प्रैक्टिस के बिना जॉब तो बहुत ही मुश्किल है। जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं सर से या खुद से या यूट्यूब या कहीं से भी, आप आज के समय में तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, तो उसमें जिस चीज़ के बारे में उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, अगर उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिर जाके वापस सेट नहीं करेंगे तो सफलता मुश्किल है। इसलिए मेरा तो आपसे सिर्फ ये कहना होगा कि आप लोग जो हैं कभी भी सेट प्रैक्टिस रेगुलर करें, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस कीजिए। और थोड़ा सा अगर कुछ लोग कमीशन की तरफ देख रहे हैं अगर इसमें से, तो वो लोग साथ में पर डे का पेपर देखें और प्रीवियस क्वेश्चन देखें, धीरे धीरे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। चलिए अभी रुकिएगा, एक और आ रहे हैं शैलेंद्र कुमार, इनका भी पेपर में ही पढ़े होएगा, पिछले साल के पेपर में भी निकला था, बीपीएससी में इनका अच्छा पोजीशन आया था। अभी वर्तमान में यह मधुबनी के एसडीओ हैं, यानी एसडीएम हैं, अच्छा एडीएम। अच्छा बाकी ये बताएं कि क्या है, और ये अपने लाइफ में एक नहीं अनेकों जॉब किए हैं, बहुत सारा जॉब किए हैं, तो आइए विशेष सब ये बताएंगे कि कितना जॉब किए हैं, कैसे कैसे पढ़े, क्या क्या इनको दिक्कत आया, क्या क्या कठिनाई आया, और आप क्या करिए, मतलब सोचिए अभी तक ही पढ़ते हैं, पढ़ाई का देखिए क्या ये है, ऑलरेडी इतने बड़े पद पर हैं तभी अभी पढ़ते हैं, तो आइए बाकी इनसे सुनिए। थैंक यू सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं सर का 1999 से शिष्य रहा हूँ, और जब तक जॉब नहीं हुआ था तब तक शिष्य था और आज भी शिष्य हूँ। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं वर्तमान में मधुबनी में एज ए सीनियर डिप्टी कलेक्टर पोस्टेड हूँ, और मेरा पहला जो जॉब लगा था वो 2006 में लगा था, 5 में ऐसे लग चुका था लेकिन 2006 में ज्वाइनिंग हुई थी। तो आप लोगों को एक मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ये मेरा 14वां जॉब है ओवरऑल ज्वाइनिंग लेटर के रूप में, मतलब बाकी तो बहुत सारा पीटी मेंस आया, फाइनल भी बहुत सब हुआ, कुछ में हम गए नहीं। तो जॉब कैसे लगता है, लोगों को लगता है कि जॉब नहीं लगता है, कई लोग तो शुरू से ही लगते हैं कि जुगाड़ कर लें, जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे बहुत लोग आश्रित हो जाते हैं। अभी घर से जैसे मैट्रिक करेंगे, इंटरनेट करेंगे, तब तक उनके पिताजी कहीं जुगाड़ लगाने लगेंगे, उनके भी दिमाग में आ जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे आश्रित रहते हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर जुगाड़े टेक्नोलॉजी से उनका जॉब भी होता है अगर हो जाता है बाई द वे। लेकिन जो लोग टैलेंट में विश्वास करते हैं उनके लिए मैं अलग से बताना चाहूँगा कि उनको लेबर करना पड़ता है और मेहनत एकदम जड़ से करना पड़ता है। कई लोग 10th तक पढ़ाई को एकदम इग्नोर करते हैं कि 10th तक क्या पढ़ें, 10th तक की पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है,
लेकिन मैं अपने जॉब में बता रहा हूँ कि आपको 7 से लेके 10 तक जो पढ़ाई होती है वो एज ए आपको आईएएस भी बनना हो तो आईएएस बनने के भी 70% क्वेश्चन उसी 7 से 10 के आते हैं, जो कई लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं कि 7 से 10 का क्या बुक। और मैं बताता हूँ कि अगर जो लोग सिविल सेवा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तो ये बैंकिंग का बैच है लेकिन मैं थोड़ा सिविल सेवा पे बताऊंगा क्योंकि मैं भी बैंकिंग का भी दिया हूँ, एसएससी का भी दिया हूँ, रेलवे का भी दिया हूँ, नॉर्मल बिहार एसएससी का भी दिया हूँ, तो मुझको और सिविल सेवा का भी दिया हूँ, तो मैं सबका ओवरऑल एक बताऊँगा कि सिविल सेवा के लिए 7 से 10 आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी एनसीईआरटी का बुक पढ़ना होगा। और 1 साल अगर आप ईमानदारी से 7 से 10 तक का बुक पढ़ रहे हैं, मंथली एक प्रतियोगिता दर्पण लीजिए या कोई भी, आजकल तो दृष्टि का भी पत्रिका आ गया है, सक्सेस मिरर, तो इतने सारे नाम आ गए हैं, एक द हिंदू पेपर लीजिए अगर आपको लगता है थोड़ा सा आप ज़्यादा करेंट से जुड़ना चाहते हैं, एडिटोरियल पढ़िए, चाहे आप हिंदुस्तान पेपर का पढ़िए, दैनिक भास्कर का पढ़िए, मतलब लोग जिस चीज़ को इग्नोर करता है, आप लोग देखते होंगे पेपर लोग पढ़ते नहीं, एडिटोरियल नहीं पढ़ते हैं, जबकि एडिटोरियल आपको डेली पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा कि न्यूज़ चैनल देखना चाहिए, अगर आपके पास समय है टीवी देखने बैठते हैं तो डीडी न्यूज़ पे जो एनालिसिस देता है उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आज तक और ये सब पे जो देता है तो वो थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में ज़्यादा रहता है, टीआरपी के चक्कर में, लेकिन डीडी न्यूज़ एक ऐसा है जो देश की गंभीर जो मुद्दे होता है उसको उठाता है, उस पर अच्छे अच्छे एनालिसिस्ट को लाता है, और वो उस पर आप पढ़िएगा और उस पर आप सुने रहिएगा ना, तो किसी बड़े से बड़े इंटरव्यू में आप जाइएगा तो आप कोई भी हार्ड क्वेश्चन होगा तो उसका एक आप इजी वे में आंसर दीजिएगा। आप देखते होंगे कि कई लोग बैंक वाले तो जितने लोग हैं इन लोग का इंटरव्यू होता है तो बैंक का इंटरव्यू में क्वेश्चन भी बहुत सारे उसी से आते हैं। डीडी न्यूज़ का मैं ज़रूर फोकस करूंगा बैंक वाले के लिए, इवन सिविल सेवा या जो भी आईएएस भी होगा उनसे अगर आप कभी इंटरव्यू सुनने का मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा कि वो लोग डीडी न्यूज़ का ज़रूर कहते हैं। इसके अलावा आप लोग को बैंक से संबंधित जो है तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहावत भी है, तो बैंक जो है आपसे चाहता है, क्योंकि बैंक में आपको ज़्यादा तरह का पब्लिक डीलिंग नहीं है कि आपको तरह तरह की समस्याएं आएंगी, उसमें होता है कि आपको एक डेली रूटीन बद्ध कार्य है उसी को करना रहता है, इसीलिए वो प्रैक्टिस कराता है। जैसे आपको मानिए कि किसी को पब्लिक को पैसा देना है तो इतना काउंटिंग करके देना ही है, तो आप कितना जल्दी उसको काउंटिंग करके दे के और उस आदमी को कष्ट ना हो, आप काउंटर से उसको मतलब विदा कर सकते हैं, हंसा के आप अपने काउंटर से उसको वापस करते हैं, यही आपको सिखाया जाता है, तो इसीलिए बैंक में ज़्यादा प्रैक्टिस खोजता है। और प्रैक्टिस सब में खोजता है, मैथ हो, रीजनिंग हो, इवन इंग्लिश में भी खोजता है। हम देखते हैं कि चंपारण के या बिहार के लड़के लोग का इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, तो इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। मैं खुद वीक इंग्लिश का शिकार शुरू से रहा हूँ लेकिन सेल्फ स्टडी करके इंग्लिश स्ट्रॉन्ग किया हूँ। तो आप लोग डेली कम से कम ना कुछ तो अपने घर में जो बच्चे सीबीएसई का पढ़ा उसका ही बुक लेके पढ़िए, अगर उससे भी ना हो तो आप किसी फिल्मी मैगजीन, कई लोग को पसंद होता है उसी का इंग्लिश पढ़िए, एक आता है आज तक चैनल का इंडिया टुडे वो मैगजीन पढ़िए, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि बैंक में देखते हैं कि अपने तरफ के लड़के मैथ बहुत जल्दी बना देते हैं, रीजनिंग बहुत जल्दी बना देते हैं, और लेकिन इंग्लिश में जाकर लटक जाते हैं। एवरेज आपका नॉलेज होगा तभी आपको जॉब होगा। मैं एक आध बार सुबोध सर से ही बात किया हूँ कि सर आपका इतना अच्छा रीजनिंग है मैथ है तो सर आपका जॉब क्यों नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला कि मैथ और रीजनिंग तो मैं बहुत जल्दी बना देता था लेकिन इंग्लिश में जाके अटक जाता था। तो मैंने इनके इस बात से सीखा कि कहीं ना कहीं अगर आपको विद्वान बनना है तो ज़रूर एक सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जॉब लेना है तो सब पे एवरेज जाना चाहिए, यही मेरा मूल मंत्र है जॉब लेने का। मैंने आज तक जितना भी जॉब लगा है उसमें क्या मेरा कमजोरी है, मैंने उस कमजोरी को इम्प्रूव करके ही फिर जॉब के लिए उस एग्ज़ाम को मैंने फाइट किया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया है। तो आपके कमजोरी को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ना आपके माता पिता जानते हैं, ना दोस्त जानता है, कोई नहीं जानता है, आप खुद जानते हैं। तो
आप अपनी कमजोरी को जानिए और उसको शेयर कीजिए अपने जो जो आपके गुरुजी हो कि हाँ हमारी कमजोरी है हम कैसे दूर। और गुरुजी से कई लोग क्लास में शेयर नहीं करते हैं कि गुरुजी कहीं बोलेंगे इतना सिली क्वेश्चन क्यों पूछते हो। हम देखे हैं कई सारे क्लासों में कि कई बच्चे इजी चीज़ नहीं जानते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं कि लड़की हंस देगी कहीं बाजू वाली की अरे इतना इजी क्वेश्चन इसको नहीं आता इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। उस स्थिति में मेरा एक मूल मंत्र है कि आप अपने सबसे करीबी दोस्त या क्लास में जो सबसे अच्छा फ्रेंड है और जो उस चीज़ को अच्छे से जानता है आप पार्ट टाइम पूछिए उससे, आप नहीं हो तो उसके रूम पे जाके सीखिए। ये मेरा अपना पर्सनली मंत्र है क्योंकि मैं ऐसा किया हूँ अपने लाइफ में। अभी वर्तमान में एक अशोक पाठक हैं हमारे जो अभी पूर्व आए थे कामेश्वर जी, इनके इनके क्लास साथी थे, वर्तमान में वेटनरी डॉक्टर है। तो मैं हाई स्कूल में 10th में पढ़ रहा था उस समय मुझको एक त्रिकोणमिति में नहीं आता था, क्वेश्चन सब समझ नहीं आता था, मैं बहुत बहुत वीक था मैथ में। त्रिकोणमिति और घातांक एवं करणी दो चीज़ हमको एकदम नहीं आता था। और क्लास में एक सर पढ़ाते थे और बहुत विद्वान सर थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, कपिल देव सर, श्री कपिल देव सर। तो मैं उनसे नहीं समझ पाता था तो मैं एक्स्ट्रा टाइम में इनके यहाँ जो अशोक पाठक थे इनके हॉस्टल में जाके मैं रुक कर क्लास के छुट्टी के बाद इनसे सीखता था, डेली आधा घंटा पढ़ता था। तो सफलता लेने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। दूसरा है कि सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जिस दिन आपके सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी उस दिन आपका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। तो इस मूल मंत्र पढ़ाई का यही है कि सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। गुरु आपका कोई भी हो सकता है, गुरु आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपके समकक्ष भी हो सकता है। तो गुरु बनाने में किसी को हिचक नहीं कीजिए कि अरे उसको गुरु बनाएंगे वो तो मुझसे बहुत जूनियर है, ये है, ये सारी हेजिटेशन भी आपका दूर होना चाहिए। तीसरा और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग इस लॉकडाउन के स्थिति में है, कई लोग कहता है कि आने वाले समय में को रहेगा नहीं रहेगा, हर वो आदमी रहेगा जो प्रयास करेगा और हर वो आदमी सक्सेस होगा जो प्रयास करेगा। ओवरऑल सक्सेस उसी को मिलेगी जो प्रयास करेगा और निरंतर प्रयास करेगा, नहीं कि हम लॉकडाउन में खूब पढ़ लिए, लॉकडाउन बीत गया तो छोड़ दिए कि चलो नहीं पढ़ना है, डेली 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए लेकिन पढ़िए। ये हमारे पूर्व में भी जो आए थे ये भी बोले कि पढ़ाई करनी है। अब देखिए कि सर जो हैं वो भी पढ़ा रहे हैं और मैं भी अभी आके आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। हो सकता है मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट ना पढ़ा रहा हूँ लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई का मूल मंत्र यही है कि प्रयास कीजिए और जो आपका मजबूत है उसको इतना मजबूत कीजिए कि उसमें कुछ ना छूटे और जो कमज़ोर है उसको बैलेंस ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप 10th में भी देखते हैं कि 10 सब्जेक्ट अगर है या 6 सब्जेक्ट अब हो गया है तो 5 में आपको 90-99 नंबर भी आ जाए, 1 में आप फेल हैं तो फेल हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी कमज़ोरी को खोजिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगा। और मेरा बेस्ट विशेज है सभी लोगों के लिए, थैंक यू। चलिए तो आप लोग आज अच्छा अच्छा बात सीख लिए, आज क्लास तो नहीं चलेगा, फिर कल से अपने समय पर क्लास चलेगा। लेकिन जो बोले हैं ये एकदम सही बोले हैं और ठीक है, हम तो मान ले जाए कि डेली पढ़ाते हैं, हम तो बहुत लोगों को जो देखे हैं उसके अनुभव पर आधार पर बोलते हैं। और जो अभी जो आदमी आपके सामने बोले इनके साथ वैसा हुआ है, वैसा बीता है। कोई ऐसे लोग होते हैं कि मान ले कि एक एग्जाम निकल गए वो नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं, चलिए जहाँ पहले नौकरी लग गया लग गए। लेकिन ये सोचिए इनका जब तक ग्रेजुएशन से पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, उस समय इनका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, उस समय से नौकरी कर रहे हैं, हमको लगता है कि शायद इनका 8वां या 9वां जॉब होगा, 14वां नहीं, जॉब करते हुए के गो जॉब किए, हाँ
अच्छा, मतलब 14 जॉब कर लिए हैं, किए हैं 14 जगह। अच्छा, नहीं जॉब किए एगो रेलवे SSC, हाँ सचिवालय किए। हाँ मतलब इनका 14 फाइनल निकला और ये चौथा जॉब कर रहे हैं, पहले रेलवे में, फिर SSC CGL के थ्रू, फिर आपको सचिवालय में पटना, और अभी आपको यहाँ मधुबनी में पोस्टेड हैं। आने वाले कुछ सालों में DM भी बन सकते हैं, बनवे करेंगे। चलिए तो ठीक है, फिर कल मिलेंगे, और आप लोग प्रयास करते रहिए। और सही बात है, जानते हैं निरंतर प्रयास के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, और यदि आप मेहनत करते हैं ना तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। एक केस में हम मान लेते हैं बुरे दौर में, कि मान ले कि ठीक है हमारा कुछ नहीं हुआ, तो आपके पास इतना ज़्यादा अनुभव हो जाएगा, इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, कि मान लिया जाए कि गवर्नमेंट छोड़ी ना, मान लिया कोई प्राइवेट जॉब के नहीं, अच्छा कोई वैकेंसी निकलता है उसमें आपका होगा। लेकिन मेहनत करे रहिएगा तब ना, और मेहनत करिएगा तो क्यों नहीं होगा। हम तो ऐसे ऐसे लाइफ में लोग को देखे हैं कि एक वो सीट था, एक के सीट में उसका सिलेक्शन हुआ। मुजफ्फरपुर पढ़ाते थे, एक विवेक नाम का लड़का था, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, एक ही सीट था, एक ही सीट था, और एक ही सीट में उसका हुआ। कोई था ऐसा शायद पोस्ट हमको, लेकिन भली भांति याद है, मोतिहारी का ही लड़का, अभी आपको इनकम टैक्स में आपको बहुत बड़े पद पर हैं। पहले उनका जॉब हुआ था एयरफोर्स में, तो एक ही वो सीट था, राम निवास या क्या नाम है, फेसबुक पर है, एक ही वो सीट था, एक ही सीट में सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा हम देखे हुए हैं, और वैसा होता है। या फिर आपको मोतिहारी का, ये लोग भी मान ले कि आपको बताएंगे, या कभी कोई और आए बताएंगे, आज एक दौर था कि रेलवे में जो भी टॉपर होते थे वो मोतिहारी के लोग होते थे, तो समझिए कि पहला स्थान तो वो प्राप्त करता था ना। यदि एक सीट का भी होता वैकेंसी तो मोतिहारी का लड़का एक होता ना। तो प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए, होगा। चलिए तो धन्यवाद। चलिए आप लोग पूछना भी चाह रहे हैं, अभी कौन जॉब करते हैं, वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, वो बताएं कि अभी कौन जॉब करते हैं। फिर से वीडियो को देख लीजिएगा जो लोग लेट से मतलब आए हैं। तो ठीक है, अब हम ऑफलाइन हो रहे हैं, फिर कल अपना समय पर क्लास चलेगा। चलिए सब लोग को गुड नाइट।